मोटा आल्दू में करंट लगने से एक नर हाथी की मौत हो गई, जिसमें वन विभाग में हड़कंप मच गया। सोमवार की रात को हल्द्वानी रेंज के जंगल से हाथियों के झुंड से दो हाथी भेजने की तलाश में बरेली रोड के मोटा आल्दू की ग्राम सभा पदमपुर देवलिया में गन्ने के खेत में जा पहुंचे, जिनमें से एक हाथी की गन्ने के खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा हाथी जंगल में चला गया। मंगलवार की सुबह ग्राम प्रधान रमेश चंद्र जोशी ने मामले की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद DFO सहित SGO शशि देव और वन क्षेत्राधिकारी उमेश चंद्र आर्य के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के SGO संजय प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर हाई टेंशन लाइन को दुरुस्त करने के साथ ही अधिक ऊंचाई करने के लिए विद्युत पोलों को लगाया गया। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। आज मुझे सूचना मिली, जो यहाँ पर के ग्रामीण हैं उन्होंने हमको सूचना दी, उसके बाद में तुरंत लगभग आधे घंटे में मौके पर पहुँच गया था। और पर हमको एक नर हाथी जिसकी करीब उम्र 20-22 साल के आसपास है, तो ये मृत पाया गया और बिजली के करंट से इसका मौत होना पाया गया है। बिजली के तार बहुत नीचे हैं, अब इसमें हम SGO जारी करेंगे, उसके बाद जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो हम उचित कार्रवाई करेंगे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वन्य जीव को, और इतना बड़ा टस्कर हाथी जो है, हम देखते थे इसको, ये गाँव में घूमते रहते थे, लेकिन आज जो है करंट के चपेट में आ गया। और रात्रि 12 बजे मेरे को सूचना मिली, लेकिन मौके पर आने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि एक हाथी इनके साथ और था। तो सुबह 5 बजे जब हम मौके पर आए तो देखा हाथी मरा पड़ा हुआ था। RO फॉरेस्ट को सूचना दी और बिजली विभाग के JE को हमने सूचना दी और वो लोग मौके पर पहुंचे। देखो कहीं ना कहीं पर तो कमियां है ही। देखो एक और जहां बिजली विभाग की लाइनें जो है झूलती हुई है। तो तुरंत हम यहां मौके पर आए, हमने पाया कि हाथी मृत पड़ा हुआ है और जो इसका आगे की ओर जाने वाली लाइन की क्वेश्चन पेड़ है छुट्टी में, और इससे पिछले वाला फोन भी पेड़ा हुआ है। तो हमने जब मौके पर जाके देखा बिल्कुल टोल है उस क्रॉस चैनल पर, तो बिल्कुल करंट ही मतलब वर्तमान स्थिति से वो बिल्कुल तिरछा हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उसके बाद भी इसकी हाइट 5 मीटर बची हुई है। यदि वो पोल सीधा था रहा है और उस टाइम पर देखा जाए तो इसकी हाइट प्रॉपर 6 मीटर के आसपास निकलती है ग्राउंड क्लियरेंस हमारे कार की।